केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एडमिशन के संबंध में नोटिस जारी किया है। नमस्कार, मैं कविता, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कविता इज एयर पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको हेडिंग से कंफर्म हो गया होगा कि मेरा रिसेंट टॉपिक क्या है, तो चलिए इसी के रिगार्डिंग क्या इम्पोर्टेंट जानकारी है वो साथ में कन्फर्म कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नई दिल्ली लॉकडाउन के बीच स्कूलों में ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS ने 20 जुलाई से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत पहली कक्षा में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। अभिभावकों को KVS की आधिकारिक वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर 2020-21 के एकेडमिक सत्र के दाखिले के लिए आवेदन करना होगा। इतना ही नहीं, दूसरी और ग्यारहवीं क्लास में एडमिशन के लिए भी सोमवार 20 जुलाई से ही आवेदन किया जा सकेगा। नेक्स्ट, इस तारीख तक करें आवेदन। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एडमिशन के संबंध में नोटिस जारी किया है। इसमें दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके तहत अभिभावक 7 अगस्त तक, ध्यान दीजिएगा, 7 अगस्त तक दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे। नोटिस के अनुसार एकेडमिक सत्र 2020-21 के लिए केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 जुलाई सुबह 10 बजे से शुरू हो चुके हैं। पेरेंट्स 7 अगस्त शाम 7 बजे तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 7 अगस्त शाम 7 बजे तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं कक्षा 1 से ऊपर की कक्षाओं के लिए 20 जुलाई 8 बजे से 25 जुलाई शाम 4 बजे तक आवेदन किया जा सकेगा। नेक्स्ट, समझे आवेदन की प्रक्रिया, एडमिशन प्रोसेस। फर्स्ट वन, केंद्रीय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाएं। सेकंड, होम पेज पर एडमिशन पोर्टल के लिंक पर जाएं। थर्ड, वहां दी गई डिटेल्स और गाइडलाइन अवश्य पढ़ें, ओके। नंबर फोर्थ, रजिस्ट्रेशन लिंक या एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें। नंबर फिफ्थ, विवरण भरें और फॉर्म सबमिट कर दें। सिक्स, फॉर्म की एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें। और अगर आपको इसको वीडियो फॉर्म में समझना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस टॉपिक पे भी आपके लिए एक वीडियो क्रिएट कर दूंगी। नेक्स्ट है, 11 अगस्त को जारी होगी वेटिंग लिस्ट। स्टूडेंट्स के लिए प्रोविजनल लिस्ट या वेट लिस्ट 11 अगस्त को जारी की जाएगी। इसके बाद अगर सीटें बचती हैं तो दूसरी सूची 24 अगस्त को जारी होगी। ध्यान दीजिएगा, प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट का ऐलान 27 और 28 अगस्त को किया जाएगा। प्रोविजनल मींस कि जो फुली कंफर्म नहीं होगा, फर्दर इसमें चेंजेस पॉसिबल है। नेक्स्ट वन, दूसरी कक्षा या उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए 29 जुलाई को सूची जारी की जाएगी। एडमिशन 30 जुलाई से शुरू हो जाएंगे और 7 अगस्त तक चलेंगे। अधिक जानकारी या अपडेट्स के लिए केंद्रीय वेबसाइट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी नज़र बनाए रखें। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू एजुकेशनल अपडेट के साथ। टिल देन, ओके, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।